नमस्कार, स्ट्रेट लाइन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ पल्लवी सरी। लोकतंत्र का पर्व मनाया जा रहा है, मैंने भी अपना वोट कास्ट कर दिया है और मेरे साथ हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रोविंशियल प्रेसिडेंट देवेंद्र सिंह राणा, जिन्होंने भी अपना वोट कास्ट कर दिया है। तो राणा साहब, एनसी का कोई कैंडिडेट नहीं है जम्मू पुंछ कॉन्स्टिट्यूएंसी से, और मैं जानती हूँ कि आपने कांग्रेस को समर्थन दिया है, लेकिन पूछना नहीं चाहिए बट फिर भी पूछ रही हूँ कि आपने वोट किसको दिया है? वो तो बड़ा सामने से बात है कि किसको दिया होगा उसमें तो बताने की बात नहीं है, लेकिन ऐलानिया बताना जो है वो उसके खिलाफ है। आपको भी समझ है मैंने किसको वोट दिया। एंड अभी बात करेंगे पुंछ की। पुंछ में से खबरें आ रही हैं कि ईवीएम मैलफंक्शन हो रहे हैं, ईवीएम्स में सभी बटन्स दब रहे हैं बट कांग्रेस का बटन नहीं दब रहा, आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, पुंछ रजौरी के इलाके में जहाँ अच्छा खासा वोट भाजपा के खिलाफ है और भाजपा ये जानती थी कि पुंछ रजौरी में उनको शिकस्त मिलेगी जिसका असर जम्मू के में भी होगा, और इस पार्लिमानी कॉन्स्टिट्यूंसी में एक अच्छा खासा वोट पुंछ रजौरी से है, और इस कैंपेन के दौरान उनको एहसास हुआ कि उनकी वहाँ फुटिंग नहीं है, और उसके चलते कल से ही जो वहाँ वाकात हो रहे हैं वो चुनाव की निष्पक्षता पे एक सवालिया निशान लगाते हैं। कल मंडी में एक होटल से ईवीएम मशीन्स मिली, जो एक बहुत बड़ी अजीब सी बात है। उसके अलावा आज सुबह से 25 स्टेशन ऐसे हैं पुंछ हवेली कॉन्स्टिट्यूंसी जिनमें पोलिंग तकरीबन 1 बजे तक डिस्टर्ब रही क्योंकि मशीनें नहीं चलीं, और कई जगह जो है कि मशीनें जो चलीं उनमें हाथ का जब बटन दबाएं तो वो हाथ का बटन दबता नहीं था और फिर उन मशीनों को बदला गया। और अगर आप देखें कि सिर्फ 1 बजे तक 35% ही पुंछ डिस्ट्रिक्ट में पोलिंग हुई, और उसका सही वजह यही रही कि पोलिंग स्टेशन में कोई ना कोई डिस्ट्रप्शन हुई। फिर एक वर्दी नुमा इंसान ने, एक अफसर ने लोगों से कहा कि आप भाजपा को क्यों नहीं वोट दे रहे हैं, वो भी एक मसला बना। तो पुंछ रजौरी में आज इंतज़ामिया की तरफ से निष्पक्ष चुनाव कराने पे कई जगह सवालिया निशान उठे। अभी सोशल मीडिया का ज़माना है तो बहुत सारी और वीडियोस भी आ रही हैं। एक और वीडियो आई थी जहाँ पे भाजपा के स्टेट प्रेसिडेंट रविंद्र रैना वीडियो पे ये बोलते हुए सुनाई दे रहे हैं, पोलिंग स्टेशन के अंदर एक महिला से कह रहे हैं कि आप वोट किसे देंगे, क्या आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वोट देंगे, जो कि क्लियर वायलेशन है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की। तो ऐसे बहुत सारे इंसिडेंसेस सामने आ रहे हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? इस सारी इलेक्शन में खासतौर पर जम्मू कश्मीर में ये देखा गया कि जितना भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है या जितने कानून हैं वो हर जमात के लिए हैं भाजपा के अलावा, और भाजपा को खुली छूट दी गई कि वो कुछ भी करना चाहते हैं करें। मैं समझता हूँ इससे एक बहुत गलत मैसेज आप दे रहे हैं, और निष्पक्षता जो है वो होनी चाहिए, और जमहूरियत पे सबका विश्वास है। जम्मू कश्मीर में जमहूरियत को मजबूत करने के लिए ये ज़रूरी है कि हर आदमी का विश्वास जमहूरियत और जमहूरी कदरों पे रहे, और मैं समझता हूँ कि भाजपा जो रूलिंग पार्टी है इस वक्त दिल्ली में, उन पे ये फ़र्ज़ आयद होता है कि वो एक ऐसा एग्ज़ाम्पल सेट करें कि लोग कहें कि हाँ ये जमहूरियत पे यकीन रखते हैं, बजाय इसके कि जमहूरियत की धज्जियाँ उड़ाएँ। खान साहब, आपने बात जमहूरियत की है तो जम्मू में भी ऐसे कई जगह देखा गया है कि एक वोटर घर से निकलकर पोलिंग स्टेशन पहुंचता है और वहां पहुंचकर उसे पता चलता है कि जो वोटर पिछले 50 साल से वोट कर रहा है आज वोटर लिस्ट में उसका नाम ही नहीं है। जो नए वोटर्स हैं उनका नाम मिसिंग हो तो फिर भी जायज़ है, लेकिन जो काफ़ी सालों से वोट कर रहे हैं वो आज जाते हैं पोलिंग स्टेशन पर और कहते हैं कि नाम ही लिस्ट में नहीं है, तो इसे आप कैसे देखेंगे? नहीं, वो तो एबरेशन हो सकती हैं, तो वोटर को भी सतर्क रहना चाहिए क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने बार बार वोटर को नोटिफाई करके कहा कि इस डेट को आइए अपना चेक करिए। वो तो मैं समझता हूँ कि वोटर को भी थोड़ा सतर्क होना चाहिए और वोटर को चाहिए कि अपने नाम को देखे, अपने वोटिंग लिस्ट को देखे। वो तो बेहतरे मौके इलेक्शन कमीशन ने दिए, उस पर किसी पे दोष डालना गलत होगा, वो दोष वोटर पे भी है, वोटर को भी खुद अलर्ट रहना चाहिए, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। रान साहब, ईवीएम्स पे पहले भी कई सवाल उठाए गए हैं, कांग्रेस ने बार बार कहा है कि ईवीएम्स में गड़बड़ के चांसेस काफ़ी हैं, तो आपको लगता है कि समय आ गया कि वापस बैलेट बॉक्सेस पे चले जाना चाहिए? देखिए, ये तो एक डिबेट तो जारी है कि जाना चाहिए, वापस जाना चाहिए, क्योंकि कई कंट्रीज़ हैं जिन्होंने इस इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को नकार दिया है क्योंकि वो समझते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में ट्रांसपेरेंसी नहीं है। लेकिन ये भी ज़रूरी है
कि जो ये देखना कि एक ही इलाके में आज पुंछ रजौरी की डिस्ट्रिक्ट में ही क्यों ईवीएम्स का ज़्यादा ख़राबी हुई, जम्मू के इलाकों में नहीं हुई, जम्मू के इलाकों में क्यों नहीं हुई? अगर ईवीएम्स जो हैं वो एक ही जगह से आ रही हैं तो पुंछ रजौरी के ईवीएम्स में क्यों परेशानी आई, क्यों बटन नहीं दब रहे थे, क्यों खराबियाँ हुई और यहाँ क्यों नहीं हुई? लेकिन यहाँ सब मशीन्स हैं, मशीन्स में तकनीकी खराबियाँ हो जाती हैं, इसीलिए मैंने पूछा कि आपको लगता है कि समय आ गया वापस बैलेट बॉक्सेस पे चले जाएं? देखिए मशीनें हैं, तकनीकी खराबी हो जाती है, लेकिन अचंभा इस बात का है कि तकनीकी खराबी जो है वो ज़्यादा पुंछ रजौरी डिस्ट्रिक्ट में हुई और जम्मू में नहीं हुई, ये भी एक बड़ी असमंजस की स्थिति है। सांबा में तकनीकी खराबी नहीं हुई, सांबा डिस्ट्रिक्ट में, जम्मू डिस्ट्रिक्ट में तकनीकी खराबी नहीं हुई। जितनी भी आज तकनीकी मशीनी खराबियाँ थी वो पुंछ और रजौरी डिस्ट्रिक्ट में हुई, तो ये काफ़ी एक सवाल उठाता। रान साहब, बात करते हैं कश्मीर की। बारामूला में देखा गया है कि अब तक 40% वोटर टर्नआउट हुआ है और आंकड़ा अभी भी बढ़ रहा है, तो कैसा लग रहा है? नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा जमहूरियत को तरजीह दी और जमहूरी कदरों पे यकीन किया है, और नेशनल मैं समझता हूँ इस चीज़ का श्रेय जो है सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ को देना चाहिए जिन्होंने बड़े शिद्दत के साथ कंपेनिंग की और वोटरों से इल्तजा की कि वो आके वोट दें। ये जमहूरी कदरें जो हैं जितनी कायम होगी, और दूसरी तरफ ये भी देखिए कि लोगों का बाहर आना इस बात का संकेत है कि लोग चाहते हैं कि कहीं ना कहीं जो कोशिशें की जा रही हैं जम्मू कश्मीर के स्ट्रक्चर को बदलने की, उसके खिलाफ शायद वो बाहर आए हैं। तो मैं समझता हूँ इसको देख के ये समझना चाहिए कि लोग चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के खिलाफ जो साजिशें की जा रही हैं उनको रोका जाए। इतने वोटर परसेंटेज के बाद आपको लग रहा है कि बारामूला कुपवाड़ा से नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो प्रत्याशी हैं उनके जीतने के चांसेस नज़र आ रहे हैं? नेशनल कॉन्फ्रेंस एक सरकर्दा पॉलिटिकल पार्टी है जम्मू कश्मीर की, रिज़ल्ट क्या होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन जम्मू कश्मीर के हर इलाके में, हर खित्ते में, हर जगह नेशनल कॉन्फ्रेंस का बोलबाला है और लोगों को एहसास हो गया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ही एक वाहिद ऐसी जमात है जम्मू कश्मीर की जो जम्मू कश्मीर के लोगों के बका के लिए काम कर सकती है और जो जिसकी जड़ें जो हैं वो जम्मू कश्मीर के हर इलाके में। रान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ थे नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रोविंशियल प्रेसिडेंट देवेंद्र सिंह राणा। दिस इज पल्लवी सीरीन ऑन द स्ट्रेट लाइन, साइनिंग ऑफ।